अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर हिदा सईद। जैसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे डॉग के बारे में कि फीमेल डॉग कौन कौन से हीट साइन शो करती है, और हम ये डिस्कस करेंगे कि हीट साइकिल को कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टाइम क्या शो करेगी फीमेल डॉग, आप देखेंगे कि उसके वल्वा का साइज जो है वो इंक्रीज़ हो गया और वल्वियर इन्फ्लेमेशन हो गई है। और ये डिफरेंट होती है, कुछ फीमेल डॉग में ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट साइन क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपको ब्लड नज़र आएगा उसके वजाइनल एरिया में और उसके वल्वर एरिया में। और आप समटाइम ये भी देखेंगे कि जिस एरिया में आपने बिच को रखा हुआ है वहाँ पर ज़मीन पर भी आपको ब्लड के स्पॉट्स नज़र आएंगे। और स्टार्ट में जो है ब्लड का कलर रेड होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेडिश कम होना शुरू हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि वो अपने वजाइनल एरिया को बार बार लिक करेगी। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट साइन क्या हो सकता है, अग्रेसिव बिहेवियर। जब फीमेल डॉग जो है किसी भी दूसरे डॉग को देखेगी तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगी। और फिफ्थ साइन ये भी हो सकता है कि फीमेल डॉग जो है उसकी एपेटाइट, मतलब उसकी जो भूख है वो या तो बढ़ जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। और सिक्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूरिनेशन। फीमेल डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा यूरिन करने लगती है, वो फ्रीक्वेंटली यूरिन करती है, डिफरेंट जगह पे है वो मार्क करती है। और मार्क करने का मतलब ये होता है कि उसके यूरिन के अंदर ऐसे फेरोमोन्स होते हैं जो कि मेल डॉग जो है वो स्मेल करता है और फीमेल डॉग की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इसके अलावा फीमेल डॉग के अंदर बहुत सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करती है। और अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साइलेंट हीट। साइलेंट हीट में क्या होता है कि फीमेल डॉग जो है वो स्टार्ट में तो हीट साइन शो करती है, लाइक वो ब्लड भी फेंकती है और इसके अलावा जो है उसकी वल्वर स्वेलिंग भी होती है। और कुछ दिन के बाद, लाइक 2 से 3 दिन के बाद जो है वो साइन शो करना बंद कर देती है। इसी तरह से शुरू में फीमेल डॉग जो है वो साइन शो नहीं करती और 3-4 दिन के बाद जो है वो साइन शो करना शुरू कर देती है। और बहुत सी ऐसी रीजंस होती हैं और बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसकी वजह से ईस्टर साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसलिए हमें नहीं पता लगता कि हमारी फीमेल डॉग हीट पे है या नहीं, तो उसको जानने के लिए कि हमें उसकी एग्जैक्ट और सही टाइम पर उसकी मेटिंग करवा सकें, उसके लिए हम वजाइनल साइटोलॉजी करवाते हैं, हार्मोनल लेवल चेक करवाते हैं ताकि हम सही टाइम में अपने डॉग को मेट करवा सकें। और इसके अलावा हम ये डिस्कस करते हैं कौन सा टाइम जो है वो बेस्ट है मेटिंग के लिए। मोस्टली कहा जाता है कि 10th और 14th डे पे हमें मेटिंग करवानी चाहिए अपनी बिच को। और समटाइम क्या होता है, कुछ फीमेल डॉग क्या करती हैं कि जल्दी ओवुलेशन कर देती हैं लाइक 3rd और 4th डे पे, और कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो 18th डे पे करती हैं। तो ये डिफरेंस नेचुरली होता है। और मोस्टली जो है हीट साइकिल जो होता है वो 2 से 4 वीक्स का होता है फीमेल डॉग्स में। और इसके अलावा हम ये डिस्कस करते हैं कि हीट साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। हीट साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो प्रोइस्ट्रस कहलाती है, सेकंड स्टेज ईस्टर स्टेज होती है, और थर्ड स्टेज जो है वो डाइस्ट्रस होती है, और फोर्थ स्टेज जो होती है वो एनिस्ट्रस होती है। सबसे पहले हम प्रोइस्ट्रस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोइस्ट्रस में क्या होता है, फीमेल डॉग जो होती है वो अपने हीट साइन शो करती है, उसमें वल्वर स्वेलिंग नज़र आएगी आपको और ब्लडी डिस्चार्ज नज़र आएगा वजाइना से। और सेकंड स्टेज जो है वो ईस्टर स्टेज है जो कि फर्टाइल स्टेज भी कहलाती है। इस स्टेज में क्या होता है कि फीमेल डॉग जो होती है वो बिल्कुल रेडी होती है मेटिंग के लिए और ये बेस्ट टाइम होता है मेटिंग के लिए। और थर्ड स्टेज होती है वो डाइस्ट्रस होती है, ये स्टेज होती है ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, इसमें चांसेस होते भी हैं फीमेल डॉग के प्रेग्नेंट होने के और नहीं भी होते। फोर्थ स्टेज होती है वो एनिस्ट्रस कहलाती है, ये लास्ट स्टेज होती है, इसमें फीमेल डॉग जो है वो रेस्ट करती है जो कि 100 डेज की होती है, लाइक 3 से 4 मंथ्स की होती है। और ये पीरियड जो होता है ये हीट फर्स्ट, लाइक वो अब हीट में आई है और नेक्स्ट जब उसने हीट में आना है उसके दरमियान के पीरियड को हम एनिस्ट्रस बोलते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि फीमेल डॉग कौन कौन से हीट साइन शो करती है, और हमने ये डिस्कस किया कि हीट साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और कौन सा टाइम जो है बेस्ट है मेटिंग के लिए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि प्रेग्नेंट फीमेल डॉग की किस तरह से केयर करनी चाहिए, कौन सी फूड देनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।